नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों पहले हमने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी, जिसमें हमने बताया था कि अमृतपाल सिंह, जो कि एक सेपरेटिस्ट लीडर है खालिस्तानी, वो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में अपना नॉमिनेशन भरने वाला है। उसके लिए कौन कौन सी पार्टीज उसको सपोर्ट करने वाली है, उसके बारे में भी हमने कुछ डिस्कशन उस पर्टिकुलर वीडियो में किया था। और साथ ही में अल्टीमेटली ये खबर निकल कर आई कि वहां की पंजाब की जो करंट गवर्नमेंट है, उसने अमृतपाल सिंह को ये नॉमिनेशन भरने में मदद की है। अब ये बात हम किसी के लिए भी जरा भी शॉकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय दर समय आम आदमी पार्टी के खालिस्तान से रिलेशन निकलते आए। तो उसी रास्ते पर चलते हुए यहाँ पर भी लोकसभा 2024 के इलेक्शन के लिए अमृतपाल सिंह का नॉमिनेशन भर दिया गया है खादूर साहिब सीट से, जो कि पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब इसमें जो एक नया ट्विस्ट आया है वो ये है कि खादूर साहिब सीट पर पोलिंग की जो डेट्स हैं वो है 1 जून, ये सातवें फेज में वहां पर इलेक्शन होंगे, और वहां पर वोटिंग 7 जून को की जाएगी। और उसके अलावा पंजाब की कई सारी अन्य सीटों पर वोटिंग 1 जून को की जाएगी। उसी 1 जून को गुरु बतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, आतंकवादी है, जिसको भारत ने आतंकवादी घोषित कर दिया, उसने एक वीडियो निकालते हुए कहा कि जितने भी पोलिंग बूथ हैं खादूर साहिब में या फिर पूरे पंजाब में कहीं पर भी जहां पर 1 जून को वोटिंग होने वाली है, उसको घेरा जाए, वहां पर खालिस्तान के झंडे गाड़े जाए। और यहां तक कि बूथ कैप्चरिंग की बात भी उसने उस वीडियो में कही है। अब वो जो वीडियो है वो नए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं उसके चलते हम लोग आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं उसको। उस वीडियो में इस बूथ कैप्चरिंग की बात के अलावा गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने भगवंत मान, जो कि हाल के पंजाब के सीएम है, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर है, उसको भी काफी खरी खोटी सुनाई है। और पार्टी ने यह भी बताया कि कई सारे रुपए उन लोगों को भी खिलाए गए। अब ये बात कितनी सच है, इसमें से कितना पैसा हकीकत में आम आदमी पार्टी को दिया है, उसकी कोई भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बार बार उन लोगों का ये कहना कि आम आदमी को उन्होंने पैसा दिया था ताकि वे लोग पंजाब में और दिल्ली में उपद्रव मचा सकें, तो ये एक काफी चिंताजनक बात है। और साथ ही में 1 जून को एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर परमिशन मिलना पंजाब की खादूर साहिब सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और ये स्पष्ट कर देता है कि भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ मिसिंग है और उसको ठीक करने की जरूरत है, खास करके उस कंटेक्स्ट में जहां पर एक सेपरेटिस्ट लीडर को, एक अलगाववादी को, जो कि भारत से एक अलग स्टेट की मांग कर रहा है, उसको इलेक्शन लड़ने की अनुमति दी जाए। तो आशा रखते हैं कि ये वीडियो एनआईए को मिल गया होगा, जो कि गुरु बतवंत सिंह पन्नू ने शेयर किया है। और उसके अलावा जो भी ये एक्टिविटीज हो रही हैं जहां पर आतंकवादी और अलगाववादी नेताओं को इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी जा रही है जेल से, और साथ ही में उन लोगों का जो केस है वो सालों तक चल रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे वीडियो एविडेंसेस भी अवेलेबल है, अमृतपाल सिंह के ऊपर आर्म्स एक्ट के अंडर भी केस फाइल किया गया है। और वो वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जब वो लोग एक पुलिस स्टेशन को कैप्चर करने के लिए गए थे। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है हम सभी भारतीयों के लिए और भारत की डेमोक्रेसी के लिए भी, कि इस प्रकार के अलगाववादी नेताओं को और अलगाववाद की विचारधारा लेकर चलने वाले लोगों को चुनाव में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जा रही है, और यहां तक कि चुनाव लड़ने की भी परमिशन दी जा रही है। आशा रखते हैं कि अब जो चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो वो ये जो चीजें हैं वो ठीक करें जल्द से जल्द, ताकि ऐसे किसी भी व्यक्ति को इन फ्यूचर कोई भी परमिशन ना मिले जब तक वो क्लीन चिट नहीं पा जाए। 5 साल 10 साल वो लोग वेट कर सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन भारत के लिए वो समय बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, खास करके तब जब हम लोगों को पता है कि वे लोग भारत से पाकिस्तान की तरह एक अलग भूमि की मांग कर रहे हैं, जो भारत से लेने की मांग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू के वीडियो के बारे में क्या आपको अपडेट मिली थी, ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। इसके अलावा भी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं, जो ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही में हमारा व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है। हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हम लोग रेगुलरली बहुत सारे वीडियोस और न्यूज शेयर करते हैं पूरी दुनिया से, तो आप जाकर वहां पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।